कोई कहता है इस जमीन पर मेरा हक है, कोई कहता है इस समंदर पर मेरा हक है, कोई कहता है चांद सूरज पर मेरा हक है, मगर उस ऊपर वाले की खामोशी कहती है, अरे पगलो, सारी कायनात पर सिर्फ मेरा हक है। बिना लाइसेंस के बिना टैक्स के अपना सामान बेचते हो, गवर्नमेंट का फुटपाथ इस्तेमाल करते हो, इस जुर्म में शर्मा तुम्हें गिरफ्तार करता है। आज छोड़ दीजिए साहब, सिर्फ 2000 का माल है। माल चाहे 2000 का हो, 2 लाख का हो, 2 करोड़ का, फुटपाथ पे आकर 2 कौड़ी का हो जाता है। गंगा ले जाओ इसको। मुझे छोड़ दो, भाग रहे तो भाग रहे, भाग भाग। ये दीवार, ये बैठने की जगह और ये पिलर और ये यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन सभी लीगल है, गैर कानूनी है, तोड़ दो इसे। शर्मा साहब, बड़ा नाम हो रहा है आजकल आपका इस शहर में, लेकिन आपके इन गाड़ियों में हमारे होटल की दीवारों की जगह आपके गोश्त और हड्डियाँ भी नजर आएंगी, समझे? शट अप। ये 2% का नया ऑफिसर, ऑफिसर नहीं, हमारे लिए कैंसर है। कैंसर? कैंसर का तो सिर्फ एक ही इलाज है साहब। नहीं सुरजीत, नहीं, ऐसे ऑफिसर का खून बड़ा खतरनाक होता है, बहाने वाले को सजा की बीमारी लग जाती है, मगर हम उसे इंसान के बनाए हथियार से नहीं मारेंगे, बल्कि ऐसे दिमागी हथियार से मारेंगे कि भगवान का दिमाग भी चक्कर खा जाएगा। वो क्या कहते हैं कि साम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब ये ऑफिसर बड़ा ही जहरीला है, ये आपकी लाठी भी तोड़ देगा और सांप बनकर आप ही से लिपट जाएगा। भगवान से लिपट कर सांप बच सकता है, लेकिन शैतान से लिपट कर नहीं। डैडी डैडी, ये देखिए ना, इस अखबार में आपकी कितनी बड़ी तस्वीर आई है। देखिए ना मम्मी, देख चुके हैं बेटा। डैड, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह ऑफिसर बनूंगा। अच्छा? फिर मेरा भी इसी तरह अखबार में नाम छपेगा, तस्वीर छपेगी। अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर आज भी तुम स्कूल जाने में लेट हो गए तो स्कूल के रजिस्टर से तुम्हारा नाम जरूर कट जाएगा। जाओ, बाय बाय। क्या हुआ तुम्हें?
रोजाना अखबारों में छपने वाली इन खबरों से कभी कभी डर सा लगने लगता है। मैं तो कहती हूँ आप इस शहर से अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करा लेते। मतलब हमें इस शहर से भगाने वालों की लिस्ट में आज एक नाम और बढ़ गया। मगर धर्मपत्नी, हम भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। चाहे दुश्मन जुर्म कर रहा हो पाताल की गहराई में या आसमान की ऊंचाई पर। मेजरमेंट देख लिया साहब। वो तो ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के प्लान में ऊपर के चार माले तो है ही नहीं। इसका मतलब लई गड़बड़ घोटाला है साहब। ये क्या हो रहा है? ईमानदारी और बेईमानी का हिसाब किताब हम समझे नहीं। ये जो ऊपर के चार माले नजर आ रहे हैं ना, इन्हें तोड़ डालिए। मगर क्यों? क्या आपको हमारी कंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आई क्या? मुझे फजूल के मजाक पसंद नहीं है। लेकिन मजाक करना हमारी बहुत पुरानी आदत है, और शायद कानून तोड़ना भी। जैसे खुराना, ये ऊपर के चारों माले चार दिन में टूट जाने चाहिए। तुम हमारा लाखों का नुकसान कर रहे हो ऑफिसर। मुझे तुम्हारा नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान देखना है। ऑफिसर जरा सोचो, हमें एक ही शहर में रहना है। तुम्हारी धमकियों से वो लोग डरते होंगे मिस्टर खुराना, जिन्हें तुम्हारी मर्जी पर चलने का शौक हो। कंग्या, चिपका दो इस बिल्डिंग की दीवार पर वो नोटिस जो इस शहर में कानून के जिंदा रहने का सबूत है। कौन पाहुणा आला? शर्मा जी हैं? शर्मा साहब नहीं है। शर्मा साहब है। खरीदी इसको। इतनी रात के मेरे घर आने की बजाय? रात के अंधेरे में जमाने की नजरों पर नींद के पहरे लगे होते हैं, और मैं यहाँ पर एक खूबसूरत ख्वाब लेकर आया हूँ। देखो, दिमाग में कोई बेहुदा ख्याल हो तो अभी से लौट जाओ, वरना ख्वाब देखना तो क्या, रातों को सोना भी छोड़ दोगे। नहीं शर्मा साहब नहीं, आज के बाद तो आप भी चैन की नींद सोएंगे और हम भी। इस ब्रीफ केस के अंदर हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं, सिर्फ आपकी मंजूरी चाहिए। तो मुझसे मेरी सच्चाई का, मेरी जिंदगी भर की कमाई का सौदा करने आया है? हमारी गुजरी हुई जिंदगी यह गवाह है कि हमने जब भी अपने दुश्मनों को मरवाना चाहा तो उसी के दोस्तों का सहारा लिया। जाओ और गंगिया को हमारा यह जहर पिला दो। अरे साहब, इस बंबई शहर में अगर रोटी छिन जाए तो इंसान भूखा जी सकता है, अगर कपड़ा छिन जाए नंगा जी जाता है, अगर छत छिन जाए अरे जीना तो क्या, मरना भी मुश्किल हो जाता है साहब, मरना भी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने जबरदस्ती जमीन पर अपने घर बना रखे हैं, असल में ये जगह बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क की है। वाह साहब, इंसानों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, पर आपकी गवर्नमेंट पार्क बनवा रही है। दो फूल उगाने के लिए आप ना जाने कितने फूल से बच्चों को बेघर कर रहे हैं। साहब आप तो गॉड का वास्ता, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए साहब।
गंगिया, खुराना साहब तुमसे बहुत खुश है और आज रात वो तुम्हारा दीदार करना चाहते हैं। बस्ती वालों, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि कानून से सिफारिश कराकर आप लोगों को एक हफ्ते की मोहलत दिला सकता हूँ। तब तक आप लोग अपने रहने सहने का इंतजाम करवा लीजिए, लेकिन याद रखो सिर्फ एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ते बाद तुम्हारे घर तोड़ देगा। अरे हम तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अरे देखते क्या हो, मारो साले को। ये तो अच्छा हुआ कि मास्टर जी की वजह से तुम बाल बाल बच गए। तुम्हारी इस नौकरी ने न जाने इस शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन पैदा कर दिए हैं। कभी कभी तो लगता है मेरी मांग का सिंदूर भगवान का नहीं किसी शैतान का फैसला बनकर रह जाएगा। मगर भारती, आज जो हंगामा हुआ है वो किसी और का नहीं, मुंजाल खुराना का किया हुआ है। मुंजाल खुराना कौन है ये? वही जो उस रात मुझे नोटों के तराजू में तोलने आया था। समझ लो अब इस शहर में इंसान और शैतान की जंग शुरू हो गई है। हमारी तरह तुमने चंद कदम बढ़ाए, तुम्हारी झोली हजारों से भर गई। जरा सोचो, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो तुम कहां तक पहुंचोगे? वाह वाह साहब, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तो चारपट बैंकर खोल डालेगा नोटों का। खोलोगे, जरूर खोलोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें शर्मा का खून परमात्मा के ब्लड बैंक में जमा करवाना होगा। यमदूत को बुलाने का प्लान हमारा होगा, सीने पर मौत का ठप्पा लगाने का प्लान तुम्हारा होगा, उसकी अर्थी को शमशान घाट भी तुम ही लेकर जाओगे, लेकिन आग सिर्फ हम लगाएंगे। ना यो ना अरे साहब, तुम काय को तकलीफ करने का? उसका छोकरा है मैं, वही बाप की चिता को आग लगाएगा ना। गंगिया, आग कोई भी लगाए लेकिन शर्मा की चिता जल जानी चाहिए। अगर गंगिया की बीड़ी जल गई ना साहेब, तो समझो शर्मा की चिता भी जल गई। अपने लिए नया शमशान ढूंढ रहे हो क्या तुम? तुम दरवाजे बिना दस्तक दिए अंदर कैसे आए? यमदूत दस्तक देकर अंदर नहीं आते शर्मा साहब। गंगिया, शर्मा साहब है? ओ इतनी मिलो साहब, या या या। आज शनिवार ना ऑफिस का सब लोग चला गया, फिर भी शर्मा साहब तुम्हारे राह देख के बैठा। जाओ जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जा गंगिया। वो नहीं आएगा, क्योंकि बिकने के बाद इंसान गुंगा, बहरा और अंधा हो जाता है। शर्मा जी, शर्मा जी, सच बोलता है, हमने खून नहीं किया। पापा, 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 हम अपने जान के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, हमने खून नहीं किया।
झूठ बोल रहा है योर ऑनर, ये अपने आंसू और बच्चे का वास्ता देकर कानून से बचकर निकल जाना चाहता है। ये इस रिवॉल्वर पर पाए गए इसकी उंगलियों के निशान इसके खूनी होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसका चश्मदीद गवाह है गंगूराम तुलसीराम। गंगूराम, क्या तुम इस मुजरिम को पहचानते हो? रोए साहब, इस खूनी को तो गंगिया मर कर भी नहीं भूल सकता। जज साहब, जज साहब, इस आदमी को ऐसा सजा देना, इसको ऐसा सजा देना कि इसकी आत्मा इस दुनिया में दूसरी बार आने के पहले 10 बार सोचे। यही चाहे साहब, यही चाहे। ये साहब को ऑफिस पर ही घुसकर साहब को गोली मार दिया इसने। काय होए मास्टर, उस दिन वो आदमी ने तेरा बोलने पर तेरा बस्ती नहीं तोड़ा और तूने उसका घर ही तोड़ दिया। जन साहब, ये आदमी को जिंदा चला दो, इसका बूटी बूटी काट के कुत्ता लोगों को खिला दो, साला हरामी मेलिया कुत्ता। ऑर्डर। गंगूराम, अदालत तुम्हें इस तरह से चिल्लाने और बदतमीजी करने की इजाजत नहीं देगी। सॉरी साहब। इस मुकदमे का फैसला 7 मार्च को होगा। काय होय साहब, कैसा लगा मेरा नाटक? अच्छा था। पर 7 मार्च को मास्टर को सजा जरूर हो जानी चाहिए। ओए ओए, घबराओ नहीं साहब, ये गंगिया मुंजाल खुराना को फांसी पर लटकने नहीं देगा, फांसी पर तो मास्टर ही लटकेगा। इसका मतलब है मास्टर डिमेलो बेगुनाह है, कातिल मुंजाल खुराना है। जा रही हो? पुलिस स्टेशन? जरा देखो, आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं। ये सिर्फ बिजलियों की कड़क नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति की आवाजें हैं, जो चिल्ला चिल्ला के तुम्हें इस तूफानी रात में उस तूफान को छेड़ने से मना कर रही हैं, जिसकी वजह से तुम वक्त से पहले विधवा बन गई। और अब शायद वो ये नहीं चाहता कि आधा यतीम पूरा अनाथ बन जाए। नीच, कमीने, कातिल। जितनी चाहे गालियां दे लो, क्योंकि तुम्हें ये सफेद साड़ी पहनाकर हम इन काले लफ्जों के हकदार बन चुके हैं। लेकिन तुम्हारा ये यकीन कानून का तो शक भी नहीं है। लेकिन मैं तुझ जैसे शैतान के पाप को कानून की आंखों से छुपने नहीं दूंगी। कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा कुत्ते, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। नहीं, कुछ मत करना मेरे बेटे को, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं दूंगी। मुंजाल खुराना के दामन पर छींटे उड़ाने की कोशिश मत करना, वरना इस मासूम के खून के छींटे तुम्हारे दामन पर उड़ेंगे। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम पीटर डिमेलो ने विजय शर्मा के ऑफिस में घुसकर खून करने के पूरे इरादे के साथ उस पर गोली चलाई और उसका खून किया। इसलिए ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत अदालत मुल्जिम पीटर डिमेलो को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत तजवीज करती है। To be hanged by neck till death. पापा, पापा, हमको अकेला छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना अकेला कैसे रहेगा, कैसे जिएगा? ऐसा, तुम अकेला नहीं है, गॉड तुम्हारे साथ है, गॉड तुम्हारे साथ है। भाई साहब, हम तुम्हें गॉड के सारे छोड़कर जाता है।
God bless you. God bless you. Papa! Papa! अपनी औलाद बचाने के लिए तूने इस मासूम को अनाथ कर दिया। इसे सहारा देना अब तेरा फर्ज ही नहीं, तेरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा कर्ज भी है। काय साहेब, आ गया ना कोर्ट का फैसला, लग गया ना मास्टर को फांसी। ये सब गंगिया का दिमाग का कमाल है, गंगिया का दिमाग। काय साहेब, है आज तुमने काले काले दगड़ पे हरा हरा नोट नहीं रखा साहेब? भूल गया होगा, तुमको मालूम किधर था कि गंगिया से डांट भी आने वाला है। कोई बात नहीं। ओए साहेब, ओए साहेब, ये देखो तुम्हारे पैसे से क्या क्या खरीदे। देखो ये 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 सोने का चेन, ये कोट, और ये देखो ये बूट, देखो ये अंगूठी, ये गागल। अरे थोड़ा दिन जाने दो साहब, आई शपथ हम भी तुम्हारे जैसा ही दिखेगा। हां साहब, मेरे को भी 50,000 रुपया मांगता, वो भी रोकड़ा। रोकड़ा 50,000? गंगिया, हमारी अनाज की बोरियों से एक दाना भी चिंडिया न खाने पाए, इसीलिए हमने जमीन पर यह तेजाब भरा पानी बिछा रखा है। हमारा नुकसान करने वाला इंसान तो क्या, भगवान भी अपनी जान बचाते हुए इधर आते हैं। मगर मैं भी नियत का बहुत भारी खराब आदमी, ओह, इधर मेरा जुबान पलटी खाया, उधर तुम सेंट्रल जेल में गुलाटी खाया। ओए साहब, इसलिए हम जितना नोट खाने को मांगेगा उतना तुमको देना ही पड़ेगा। ये क्या करते सब? ये क्या कर रहे तुम आदमी? राउदे अच्छा हुआ ना साहब, ये चड्डी हमारे पैसे का था। माफ करना साहब, जाता ही गंगिया। एक मिनट, अगर हमारे खिलाफ को कदम उठाया तो तुम मेरे को इस दुनिया से उठा लेगा। बराबर है साला, ऐसा हरामी आदमी को उठाना ही मांगता है। और अगर जुबान खुली तो तुम मेरे को गुंगा कर देगा साहब। तो तुम हमें अच्छी तरह से समझ गए हो? ओए ओए साहब, समझ गया, तुम लोग तो गंगिया से भी कुछ कम नहीं है, मगर ये गंगिया भी कुछ कम नहीं है। साला कुत्ता मेरा 25,00,000 का माल लेकर भाग गया। नमस्ते बहन जी, क्या मैं इन दोनों की तस्वीर खींच सकता हूँ? क्यों बहन जी, जिसके बाप ने आपके पति का खून कर दिया उसी के बेटे को आप इतने प्यार से पाल रही हैं? ऐसी तस्वीर तो भगवान के फ्रेम में भी नहीं मिलेगी। तू मत खेल हमारे साथ। आ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तू एक खूनी का बेटा है। हाँ, तू एक खूनी का बेटा है। नहीं राजू, नहीं, ये खूनी का बेटा नहीं है, इसके डैडी ने कोई खून नहीं किया। नहीं, ये खूनी का बेटा है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। जॉन,
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा जिंदगी भर जॉन को अपने गले से लगाकर अपने किए का प्रायश्चित करूंगी, मगर किस्मत ने वो हक भी मुझसे छीन लिया। पता नहीं ये बेरहम दुनिया उस मासूम को कौन सी दुनिया में ले जाएगी। हवलदार, जैसे कानून ने अपन को जेल से बाहर निकाला है, तुम अपना जेब से बीड़ी बाहर निकालो। उसका क्या है, जब तक बीड़ी का धुआं अपन के खोपड़ी में जाता नहीं है, अपन के खोपड़ी में आइडिया आता ही नहीं है। ये लो भी कान से निकल, तुम्हारे कान में खुजली तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं अपन सुना है तुम्हारे कान में बहुत। नहीं नहीं, नहीं कान में नहीं है। फिर किधर है, चल देना। अच्छा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वैसा तो अपन का नाम जॉन डिमेलो डिंग डोंग वाला है, लेकिन मुसलमान की गली में जाए तो रहमान भाई सुलेमान भाई उस्मान भाई गोदरा, हिंदू की गली में जाए तो शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति दूध वाला। अब जैसा जैसा गली बदलता है वैसा वैसा नाम बदलता है, और जैसा जैसा मोहल्ला बदलता है वैसा वैसा काम बदलता है। चलना गांडी बेटी निकाल के जल्दी से बीड़ी सुलगा देना, अपन के पास टाइम कम थी, काम जाती है। चलना बापू जल्दी करना, चलना। क्या बोले भाई, लाइट मिलेगा क्या? श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ आप बहुत अच्छा आदमी है, थैंक यू। काय को देसी माल के पर फॉरेन का ब्रांड चिपकाते, गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा तो अपन में भी टैक्स लगा देंगे मालूम। जॉन अंकल भाषण बहुत हो गया, अब जरा पेट पूजा भी हो जाए। ऐसा क्या है रामदीन काका, जरा बच्चे लोग को 100-100 ग्राम जलेबी देना, एक एक ग्लास दूध मार के, दोनों टुकड़ा गुलाब जामुन देना चाशनी मार के, और बर्फी का एक एक टुकड़ा देना चांदी का वर्क मार के, और तबड़तोड़ बोलना अपन को टोटल मार के, वरना आंख बंद मुंह खुला करना लेगा मार मार के। क्या आदत तो ऐसा दे रहा है जैसे नोटों का कारखाना चलाता है। ए भैया जी, अरे तुम्हारे बाप ने जब ये होटल बनाया होगा ना तो भी इतना पैसा नहीं लगाया होगा। चल इसमें से एक नोट निकाल ले, बाकी टिप रख लेना। हाय हाय कत्ते, हाय मिस दीसा, हाउ आर यू? फाइन। क्या सुलेमान चाचा, सलाम वालेकुम। आ गए लफंगा कहीं का। हाय मोहल्ला बिगड़ गया ना, सुलेमान चाचा के दिमाग में सुलेमानी कीड़े घुस गया ना। अरे अपुन साला जॉन डिमेलो डिंग डोंग वाला इसका रहते हुए इधर रहेगा क्या? एक्सक्यूज मी मिस। यस। अपुन को एक खोली मांगता है। खोली? यस, एसी वाला, एक ठंडा खाली खोली, जल्दी से खोल डालो, यू नो व्हाई, बाहर बहुत गर्म पड़ता है। यू मीन रूम? या आई मीन रूम। You have to pay advance. जितना मंगता है प्यार से खींच लो। अपन बुरा ना माने तो एक बात बोले मैडम, तुम खींचने में बहुत एक्सपर्ट है। Your name, please. क्या होने को सकता, बताओ। टोनी एंथनी मैक्रोनी। टोनी नहीं एंथनी नहीं मैक्रोनी नहीं, then who are you? John DeMello. Ding dong wala. We'll be right back.
I'm John DeMello, ding dong wala, ding dong wala, ding dong wala, jeb hai khali, dil mat wala, dil mat wala, dil mat wala, I'm John DeMello, ding dong wala, ding dong wala, hey ding dong wala, are jeb hai khali, dil mat wala, dil mat wala, hey dil mat wala, thoda ameeron ko kaatu, thoda gareebon mein baantu, thoda ameeron ko kaatu, thoda gareebon mein baantu, isliye to khush hai hum झोली खाली पड़ी खोली में कोई आ जाए मेरा हो जाए मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं किसी का दीदार पाऊं मैं भी सुधर जाऊं you know I don't care for wealth but I'm very particular about my health I go every day in the evening in the company back of walking will you accompany me I'm John DeMello, ding dong wala, ding dong wala, ding dong wala, jeb hai khali, dil mat wala, dil mat wala, dil mat wala, thoda ameeron ko kaatun, thoda gareebon mein baantun, isliye to khush hai hum bas yaaron upar wala, ding dong wala, I'm John DeMello, ding dong wala, ding dong wala, hey ding dong wala, are jeb hai khali, dil mat wala, dil mat wala, hey dil mat wala ding dong wala मूली का पराठा खा के मैरी से मैं आ रहा हूँ मैरी मुझे क्या खिलाए रोजी मुझे रोज बुलाए जैनी भी प्यार जताए You see, I'm not a flood of a God fearing person. I go to the church every Sunday. How about beating me outside the church? I'm John DeMello, ding dong wala, ding dong wala, hey ding dong wala. I jeb hai khali, dil mat wala, dil mat wala. Oh ding dong wala, ding dong wala, ding dong wala. ये लो नहीं मैं नहीं बेचूंगा
मैं भी कानून जानता हूँ। आप लोग अपनी मर्जी और जबरदस्ती से सारा मोहल्ला खरीद सकते हो, लेकिन लेकिन मेरी दुकान नहीं। हम वो शैतान हैं जो बगैर दाम के जान खरीद लेते हैं, तो फिर दुकान क्या चीज है? चल मार साइन, वरना जान से मार दूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा इस कागज पे दस्तखत। तो तू नहीं बेचेगा दुकान? कभी नहीं बेचूंगा। मेरे घर में मेरी एक बहन है, मेरे बीवी बच्चे हैं। मैं अपनी दुकान बेच दूंगा तो अपने परिवार को लेकर जीऊंगा कैसे? कभी नहीं बेचूंगा, बोला ना, कभी नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं नहीं। सीधी तरह से कागज पे साइन करता है या मैं तेरी खोपड़ी पे साइन कर दूं। हे भगवान, सतयुग में तो तू हम कमजोरों के लिए अवतार भेजा करता था। इसलिए कि वो सतयुग था और ये कलयुग है। नहीं, इस कलयुग में भी उसका अवतार आएगा, तुम्हारी इस बेईमानी और जबरदस्ती का सीना चीर कर आएगा। पिस्तौल भी तेरा, गोलियां भी तेरी और उंगलियों के निशान भी तेरे। अगर गोली चल गई तो दुनिया कहेगी कि तूने खुदकुशी कर ली, लेकिन नहीं, मैं तुझे इन बेजान गोलियों से नहीं मारूंगा। गरीबों से बहुत दस्तखत करवा लिए तुमने, अब दस्तखत करने की बारी तुम्हारी है। और जब तक इन पेपरों पर दस्तखत नहीं हो जाते, यह जंग जारी रहेगी। यह जंग शुरू तूने की है, तेरे खात्मे के साथ साथ इसे खत्म मैं करूंगा। साइन कि फिर कभी किसी कमजोर और मजबूर पर हाथ नहीं उठाएगा। कर साइन कि तू अपना मनहूस चेहरा इस मोहल्ले में फिर कभी नहीं दिखाएगा। मगर साहब, आप हैं कौन? इस इलाके का नया इंस्पेक्टर अमर। अमर बाबू के जय।
इंस्पेक्टर अमर की जय, अमर बाबू की जय, अमर बाबू की जय। नया नया इंस्पेक्टर और ये नए नए जख्म, लगता है हमें फिर से अपने पुराने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, जिनको वक्त के साथ काफी जंग लग गया है। बस इस शैतान से इस तरह खुलेआम युद्ध करने वाले उस हवान की मुझे एक बार झलक दिखा दे। वो हवान इंस्पेक्टर नीचे आ गया, हम उसे उड़ा दें। खुराना, अपने दिल में बदले की आग लिए मैं तेरे शहर में आया हूं। तेरी इस इमारत की बुनियादों पर मेरे पिताजी का खून लगा हुआ है, और जब तक मैं तेरे खून का एक एक कतरा नहीं बहा लेता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। खुराना, चैन की सांस नहीं लूंगा। बेटे, बहुत जल्दी इंस्पेक्टर अपने घर की चार दीवारी पर एक खामोश यादगार तस्वीर बन जाएगा। मां, तेरी आंखों में फिर आंसू। ये यादें भी अजीब होती हैं माँ, पुराने जख्मों को कुरेद देती हैं और उनपे आंसुओं को छिड़काव कर जाती हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, मैं जब भी इस तस्वीर को देखती हूँ तो उस मासूम की बिखरी हुई तकदीर का एहसास अंदर ही अंदर काटने लगता है मुझे। मैं इसकी ममता की कर्जदार हूँ बेटे। हम सारे कर्ज उतार देंगे माँ, अगर वक्त ने जॉन को हमसे छीना है तो वक्त ही वापस दे जाएगा। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। पिताजी, मां के बहते हुए एक एक आंसुओं की बूंद में मुझे सिर्फ मुंजार खुराना का चेहरा नजर आता है। दुनिया चांद तक पहुंच गई है और मुझे इंतकाम के आसमान तक पहुंचना है। पिताजी, मिल्खा सिंह मेरे पीछे क्यों पड़ गया? खैर, मैं भी पीटी उषा का बड़ा भाई हूं, ऐसे हाथ से जाऊंगा। रेस कोर्स के घोड़े के मापिक पीछे दौड़ रहा है। चलना भगवान, रखना इस बंदे का ध्यान। अरे भाई, ये देसी रैम्बो मेरे पीछे क्यों पड़ गया रे? है 600 रुपए। चला ये चिल्लाएगा, बाद में पब्लिक से पिटवाएगा। अरे 600 रुपए के लिए 6 महीना अंदर कौन जाएगा रे? ले पकड़, अरे गोली मार दूंगा। चलो अब अगर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी तो तुम कहोगे ये मेरा फर्ज था। जी हाँ, ये मेरा फर्ज था। इस तरह फर्ज निभाते हुए फिर कब मुलाकात कीजिएगा? जब भी आप मुसीबत में होंगे। वैसे दिन के उजाले में तो ठीक है, लेकिन रात को अकेले मत निकलिएगा।
क्योंकि इस शहर की रातें बड़ी खतरनाक होती हैं। जो मैंने छुआ तो मारा नाम बिजली है, ऐसा करंट मारूंगी पहुंच जाएगा सीधा आसमान में। हाँ अबे साले नामर्द पीछे से पकड़े, अबे आगे से आ, थारे बाप का माल समझाए। हो गया एक गोल, अब बोल दो गोल। तू बॉल संभाल, अपुन इनको संभालता है। एक गोल मारा भी हो गया। तेरे गटर में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, गटर में लागा चोर। अबे कौन? अबे अच्छा अच्छा तेरे पायल का आवाज आ रहा है क्या? मेरे को लगा मेरे बूट में मिस्टेक है। ये क्या रे, तू तो सीआरडी के मैं पीछे पड़ गई लिए, क्या हवालदार की बेटी है क्या? चल 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 रास्ता रात चल चल। हमारा कोई घर नहीं है बाबूजी, अब तो जो भी है आप ही हो। ओए ब्रेक मार ब्रेक मार। हाँ अपन बहुत डेंजरस आदमी है। हाँ मगर बाबूजी हमारे लिए तो आप अच्छाई का अवतार हैं। अवतार बेवतार नहीं है अपन, अपन तो उतारने वाला है। हाँ कभी किसी की घड़ी उतारी, कभी किसी का बटुआ उड़ाया, तो कभी किसी की चेन उतारी, पर तेरे अंक के ऊपर तो सिर्फ डागरा और चोली है। उनके आड़े बताना नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। बोल दिया तेरे को बस। हाँ अरे अरे जान बची लाखों पाए, गले पड़ू चिपकू लड़की से बचे घर को आए। जान डिमलो डिंगडांग वाला, तुम भी साला सेंटीमेंटल फूल है, फोगड़ में लफड़ में। अरे साला डिंग डोंग वाला, तेरे को कितनी बार समझाया कि आज की डेट में भलाई में बहुत बुराई है। अरे साली जाना ले, बोल विजय जान दे, अपन लफड़े में नहीं फंसेंगे। आज की डेट में इज्जत बचा तो इज्जत खतरे में आ जाती है। अरे जा बाबा जा।
अरे सला, तुम छोकरी के गोन का बाटली, तुम तो चिपक गया पोस्टर का माफिक। अरे लड़की जाना बाबा, काय को अपन की बस्ती में आकर सर्कस के तंबू के माफिक डेरा लगाकर अपन की इज्जत का बाम्बू करती है यार। अगर किसी ने देख लिया ना तो अपन का बस्ती में नजर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा और तेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मालूम है क्या? हो जाएगा नहीं अंकल, हो चुका है। क्यों, इसने बस्ती का किसी खोले में चोरी भी नहीं कर डाली क्या? चोरी की नहीं, चोरी तो पकड़ी गई है। चोरी? हाँ, इस लड़की के साथ तूने जो शादी का वादा किया वो चोरी। शादी? अपुन की शादी? हाँ हाँ, इस ससुरे की शादी हो ही जानी चाहिए। हर वक्त मोहल्ले की लड़कियों को ताकता और मुस्कुराता फिरता है। जी चाहता है साले के दांत तोड़ दूं। वो तो शादी के बाद टूट ही जाएंगे। अरे मगर यार, मगर समुंदर में, मछली पानी में, और तू इसको लेकर घुस जा खोली में। हा? अरे देखती क्या हो, नारियल तोड़ो हार पहना। वेलकम वेलकम अंजू जी। आप मुझे कैसे जानते हैं? आप मुंजाल खुराना साहब की बेटी है ना? प्लीज कम। आप यहाँ? आपने तो कहा था दूसरी मुलाकात उस वक्त होगी जब मैं मुसीबत में होंगी। हम भी किसी मुसीबत से कम नहीं। छोड़िए भी, आप तो मुसीबत के आने से पहले ही आ गए। हम जहाँ भी होते हैं मुसीबत आ ही जाती है। ए, मुंजाल खुराना चिपुरगी। मुंजाल खुराना च कलेजे च टुकड़ा। यार जैसा कुत्ता रोटी को उठाकर लेके आता है ना, वैसा जुचल कर ला साली। मुंजाल खुराना ची पूर्गी। ये क्या, हमने पहली नजर में आपको दिल दे दिया और आप दूसरी मुलाकात में दिल दे रहे हैं? जमाइला आ कौन गए? कहाँ गए? आया तो था अपनी चाबी ले जाने, लेकिन लगता है अब तुम सबको साथ ले जाना पड़ेगा। अबे हटता है कि नहीं तो? जब तक बारूद फटता नहीं है पहाड़ अपने रास्ते से हटता नहीं है, समझा? अबे तू अकेला है, क्या कर लेगा हमारा? मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी मेरा साथी है, समझा? जमाइला पुलिस वाला दिसतो है। माइला काज भी तोड़ दिए तो रे गंगिया भाग, मोरिया बिस्तर लेकर भाग रे भाग।
ओ डैडी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बहुत कुछ हो जाता डैडी अगर आज ये नहीं होते। कमीने, इंसानों के इस जंगल में मैं तुझ जैसे जंगली जानवर को ढूंढ रहा था। पहचाना मुझे? उस बाप का बेटा हूं मैं जिसकी मौत का जिम्मेदार तू है। उस मां का बेटा हूं मैं जिसके बच्चे की मौत की धमकी देकर खामोश करवाने वाला राक्षस तू है। आज ना मैं चुप रहूंगा ना मेरी पिस्तौल। क्यों बरखोदार, कहाँ खो गए हो? आपको देखकर मुझे अपने खोए हुए याद आ गए। कमाल है अम्मे, तुम्हारे अपनों की कोई झलक नजर आ गई क्या? झलक क्या, मुझे तो सब कुछ नजर आ गया। तब तो लगता है हमारी और तुम्हारी दोस्ती की डोर काफी लंबी चलेगी। हाँ, डोर तो लंबी ही चलनी चाहिए खुराना साहब, चाहे वो दोस्ती की हो या दुश्मनी की। गॉड, तुम्हारे मजाक करने का यह खूबसूरत अंदाज हमें बेहद पसंद आया। खूबसूरत अंदाज में अक्सर खतरनाक मोड़ छुपे होते हैं खुराना साहब। बेटे, मोड़ खतरनाक हो या इंसान, कोई किसी से छुपता है क्या? हाँ, न मछली ज्यादा दिनों तक पानी की गहराई में छुप सकती है, न मगरमच्छ। सांस लेने के लिए ऊपर तो आना ही पड़ता है। बेटे, ऐसा जबरदस्त एहसान करने के बाद क्यों तुम खामखा हमें ये आसमान की ऊंचाई और समुंदर की गहराई बता रहे हो? डैडी, एक खास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया खुराना साहब। आपकी बेटी को उठाने की कोशिश करने वाला कोई गैर अजनबी नहीं, बल्कि आपका अपना ही कोई पुराना पंछी है। राम राम। पहचाना नहीं साहेब? मैं आरामी गंगिया साहेब। तुम्हारा जूता का धूल साहेब, तुम्हारा कोट का टूटेला बटन साहेब, और तुम्हारी लड़की को उड़ाने का जो ट्राई मारा ना, वो मैं ही साहेब गंगिया। लगता है इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए किसी तीसरे का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। किधर है साला? सरा पहली धर का माल लाया था, किधर गया सरा? चोरे, रात के अंधेरे में बत्ती बुझा के कौन सा खजाना ढूंढे है? हाँ, चलना अभी चलना। मैं खूब जानू तू कौन सा खजाना ढूंढे। अरे मारे पास राजा राजा, सारा खजाना मारे पास है। कैसा छोकरी यार तुम, शर्म नहीं आता क्या तुमको? ए लो, जिसको तू खजाना बोले मैं भी बोलू। तेरे तलब लगी है तो मने भी लगी है, तू मने बोल थाने अभी दे दो। तू तो मेरे को बहुत चालू छोकरी दिख रही है बाप। थारे मकान में आके मारा सब कुछ चालू हो गया है, सजना सवरना खाना और पीना। क्या रे, ये तेरे को बाप का माल लगा क्या? हाँ चल दे मेरे को, चल चल दे ना। ना मैं ना देने की। हाँ, जब मैं बोलू दे तो तू बोले ना, और जब मैं बोलू ना तो तू बोले दे। अब मैं ना देने की। साला एक झापड़ मारेगा तो आंख बंद मुंह खुला हो जाएगा। ए बाटली दे रे, ए दे ना, ए दे, ए ए किधर जा रही है? ये तो पर्दे के मापी खेल रहे लिए, दो घूट और मारेगी तो टोटल लॉस हो जाएगा। गिरी गिरी, ए ए।
बचा ले खुदा। चढ़ गई अरे बाबा चढ़ गई, पड़ गई ड्रामा करे माने न कहना मेरा। अड़ गई अरे बाबा अड़ गई, कैसे समझाऊं इसे जिद पे ये अड़ गई। मेरे पीछे पीछे आए पीछे नहीं छोड़े आए, मुझको बचा ले खुदा। चढ़ गई अरे बाबा चढ़ गई, पड़ गई मेरे गले पड़ गई। अपने घर जा मेरे घर का पता बता, अरे जा तू जा अपने घर जा मेरे घर का पता बता। अपना घर भी भूल गई वहाँ तेरी भूल गई, अरे अपना घर भी भूल गई वहाँ तेरी भूल गई। दुश्मन तेरा जहाँ जाओ तुम जाओ, मैं हूँ तेरी तू है मेरा। बहुत जगह गंगिया मी गंगिया लय खराब मानूस होय। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ओय कौन बोल रहे? सलाम मी बोलतोय, हम तुमको आम खिलाने वाला बोलतोय। ओय लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? आप पर तुम गुटली गिनने का बात नहीं करने का, हमारा नाम पता है एड्रेस नहीं पूछने का। ओय हमारा टाइम खोटी होता है तो तुम बोलते। देखो तुम पूछेगा हम बताएगा नहीं। पेंसिल कागज ले। एक मिनट बोलो। मुंजाल खुराना कमाल, आज शाम को 5 बजे थाना चेक नाका से। लिखो लिखो लिखो। जाओ बैठ चलो। हाँ बोलो Thank you.
खोल इसे। इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम। खोल। बोलिए माल किसका है मुझे नहीं मालूम। बोलिए माल किसका है मुझे नहीं मालूम। बोलिए माल किसका है। तुमने मुझे माल के साथ पकड़ा है। यकीनन ये माल भी मेरा ही होगा। नहीं, ये माल मुंजाल खुराना का है। ये मैं भी जानता हूँ और तू भी जानता है, लेकिन मैं तेरी जबान से सुनना चाहता हूँ। बोल वरना मेरी पिस्तौल बोलेगी। ये तेरा आखिरी वक्त, मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोलता। बोल बोल वो आदमी का नाम क्या है। बोल बोल उसका नाम क्या है। बोल वो क्या करता है। बोल बोल उसका नाम क्या है। बोल उसका नाम क्या है। बोल मुझे। बोल उसका नाम क्या है। ये वो आदमी कौन है। उसका नाम क्या है। बोल मुझे। बोल मुझे। बोल उसका नाम क्या है। बोल बोल उसका नाम क्या है। वो आदमी कौन है। बोल बोल मुझे। इंस्पेक्टर, मुर्दे बोला नहीं करते और गवाही जिंदा लोग देते हैं। मुंजाल साहब, कभी समुंदर देखा है आपने। उसमें अनगिनत किश्तियां होती हैं और हर किश्ती को अपनी ताकत और मजबूती का बड़ा घमंड होता है, लेकिन उसे आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं होता। इंस्पेक्टर अमर एक ऐसे ही तूफान का नाम है और उससे आप बच के रहिएगा। मैं गंगिया मिले ही खराब मानुस होए। दुश्मन को ऐसा साफ करने का जैसा मुंगू सांप को। ये मुंजाल खुराना भी सांपीच है। ये सांप को मैं दुमची से शुरू किया साफ करने का, मुंडी पे खलास करूंगा। मुंडी पे लखा लाश कर दिया तो मजा क्या मारने का। ओए खास करूं टाकिन मित्याला, खास करूं टाकिन मित्याला। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर साहब, मैं बोलतो है। कौन बोल रहा है? ओ मैं आपको आम खिलाने वाला बोलतो है। तुम्हारा नाम क्या है? देखो वहां पर तुम गुटली गिनने का बात नहीं करने का, हमारा नाम पता एड्रेस नहीं पुटने का, हमारा टाइम खोटी होता है। तुम पूछता जाएगा हम जवाब नहीं देगा, इसलिए पेंसिल कागज ले और लिखो। मगर तुम कौन हो जो हमेशा मुंजाल खुराना की माल की खबर देकर अपना नाम और पता नहीं बताते। बतलाएगा साहेब, मुंजाल खुराना का पत्ता कटने के बाद में हमारा नाम भी बताएगा, पता भी बताएगा और 20% का हिसाब से। तुम सब गंगिया चा खोली मदी। मेरी पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों से ज्यादा खतरनाक वार करके तुम मेरी मौत का इंतजाम करना चाहते थे। आता गंगिया करेगा काम। जैसा तू गंगिया को आधा चड्डी में किया था ना, वैसा ही मैं तेरे को आधा चड्डी में करेगा। साला मेरा बुस्कोर, मेरा गोगल, मेरा पैंट निकाला था ना तूने, अभी निकाल। निकल तेरा बुस्कोट निकाल, तेरा पैंट निकाल। क्यों रे साला तू गोगल पहन के क्यों नहीं है? देख देख मेरा उतारेला कपड़े का वसूली करेगा। पैंट निकाल, पैंट काट नहीं तो गोली मारना। गंगया, तू रहा चपरासी का चपरासी। जो शख्स 2 घंटे से तेरी मौत का देवता बनकर इंतजार कर रहा हो, क्या वो खुद पर चलने वाली गोलियों को पिस्तौल में छोड़ने की गलती कर सकता है? देवा, ये पिस्तौल जो तेरे हाथ में है ना, तेरे दिमाग की तरह खाली है। ये रे इसकी गोलियां। गंगिया, अपनी पिस्तौल में गोलियां भरने से पहले मैं इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। चल वो पिस्तौल मेरी तरफ उछाल
वरना तेरी लाश उड़ जाएगी। वाकई तू सिर्फ बेवकूफी नहीं, गधा और उल्लू भी है। ओए साहब ओए, गधा उल्लू भालू कुत्ता जो दिल में आता है वो बोलो साहब, लेकिन गोली मत छोड़ो, गोली मत छोड़ो साहब, ने तो मेरे को दुनिया छोड़ना पड़ेगा, गोली मत छोड़ो। कंगिया दरअसल मैं अपनी पिस्तौल में गोलियां डालना भूल गया था जो तेरे पैरों के पास पड़ी है। अब तू मरेगा अपनी ही पिस्तौल से, अपनी गोलियों के साथ मरेगा। देखो सब, तुम हमारे सांप को मरने के टाइम भी चीटिंग किया था, और तो साला गंगिया को तो ईमानदारी से मारो, फिर से चीटिंग मत करो सर। देखो गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, अगर तुम बोलते तो मैं ये कोट ये बुस्कोट ये पैंट सब निकाल देता, गोली मत चलाओ। उतारो कपड़े ही उतारो, मरते वक्त आदमी को नहलाते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते। निकल दो निकल दो निकल दो। भाग, कहां तक भाग सकता है भाग, जब तू थक जाएगा तब मुंजाल खुराना तेरा खात्मा करेगा। जावे की तरह हाँ? चला हाँ पोट, अपुन तेरे को कभी पूछा है क्या तू छोकरियों के दारू को पीती है? तू क्या अपुन को जरूर लगती क्या? हाँ कस के लिए पार्टी, अरे अपुन जवान छोकरा है, किधर भी जावे कुछ भी खावे, तेरे को क्या करने का? तेरे को बम्बई में सर छुपाने को घर दिया है, छत दिया है, उत्ता काफी नहीं है क्या? वरना तू है कौन? मैं थारी आधी घर वाली पूरी होने वाली। हाँ चल रहे मवाली, तेरी जबान है की होलसेल की दुकान है? मारी दुकान का छोड़, तू रोज रात को ये कौन सी दुकान खोलने को जाते हैं? हाँ अभी बताऊं क्या, अभी बोलता था जाने दे। अरे अपन तेरे को पहला मीटिंग में बोला ना, अपन एक नंबर का लफंगा है, पॉकेट मार है। हाँ मतलब तू चोर है? अरे अपन क्या, सारी दुनिया चोर है। नहीं मैं तेरे बेईमानी का धंधा नहीं करने दूंगी। बेईमानी का धंधा नहीं करने देगी साला, भूखा मारेगी क्या पूरी बस्ती को? मैं तने कानून तोड़ने नहीं दूंगी। कानून? कौन सा कानून का बात करता है? जिसने जॉन की लाइफ के साथ सबसे बड़ा चीटिंग किया वो कानून, जिसने अपुन के बेकसूर फादर को मौत की सूली पर लटका डाला वो कानून? अरे जॉन को कानून का दुश्मन बनाया कानून ने, अपुन को अपराधी बनाया कानून ने, वरना साला आज अपुन भी डॉक्टर वकील इंस्पेक्टर या बैरिस्टर होता था। अपुन का फादर स्कूल में बच्चा लोग को ईमान सिखाता था, और इस कानून ने उसके ईमान के ऊपर बेईमानी का काला रंग मार डाला। वाह क्या इंसाफ किया एक गरीब टीचर के साथ। वाह हे देख, तू अपन से कानून वानून का बात मत करना, अपन के दिल के जख्मों को मत कुरे दे, इसमें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा ना तेरे को ना मेरे को। हाँ हाँ शहर में जॉन के माफिक बहुत अनाथ बच्चे लोग रहते, वो लोग चोर नहीं बन जाए इसीलिए जॉन चोरी करता। अब तुम जॉन को अकेला छोड़ के चला गया, क्या करेगा, मजबूरी है, आप उनको माफ कर देना।
आए रे? हाँ? क्या इधर भी आ गया क्या? हाँ? क्या घूर के क्या देखता है? हाँ? मारे हुए माल को और मार खाने वाले को। क्या बोला? माल? वो उस दिन 600 रुपए की मूड़ी थी, इसलिए तेरे को दे दिया, समझाना। और क्या बोला, मारेगा? अरे नंबर लगा डालूंगा इधर साइड में तेरा कहीं भी, समझाना। ये क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है, तेरे गले में भी क्रॉस है, नंबर लगेगा तो तेरा लगेगा, समझा? जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, कहीं मुर्दे फिरदे लोगों ने सुन लिया ना तो कब्र से निकल के हंसने लगेंगे। नहीं, मेरे जाने के बाद तेरे हाल पे रोएंगे। ए चल, अभी बहुत हो गया, जास्ती बोलेगा ना तो अस्पताल का खटिया पकड़ना पड़ेगा। इस एरिया का दादा है तू, देखता हूं तेरे में कितना दम है। कहां से फोकड़ में मार खाने आ जाते हैं लोग क्या? बहुत ऊंची पार्टी लग रही है बाबा। जीसस, जैसा अपन का टोपी का इज्जत रखा है ना, वैसा अपन का भी इज्जत रखना। अपन जाता है, जरा संभाल लेना। क्या बात है जॉन भाई, मुख खुला कर डालेगा बेड़े। ये कोई स्मगलर है क्या? भाई पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर। अरे साहब तुम इंस्पेक्टर है क्या? अरे तुम इंस्पेक्टर है, चश्मा बिश्मा पहन के स्मगलर लगता है साहब। नहीं वैसा लगता है, वो तो हमको पहले मालूम पड़ेगा ना साहब कि तुम कोई धासु पार्टी है, कोई आंडू पांडू चीज नहीं है। आप उनका धुलाई कर दिया फिर ये सब उल्टा हो गया ना। लोग बोलते हैं खोदा पाट निकला चूहा, या केस उल्टा है, आपने खोदा रेत निकला शेर, शेर पे सवा शेर। क्या बात है साहब, क्या हवालदार, मेरे को पहचाना क्या? तुमको याद है बचपन में अपन एक बार चोरी किया था, तुमने अपन का धुलाई किया था, बाद में हाथ भी तोड़ दिया था, याद है ना? याद है ना? सुना गया इंस्पेक्टर साहब, आपकी पुलिस चौकी में हवालदार लोग मेरी धुलाई कर चुके हैं, फिर इंस्पेक्टर ने मारा तो कौन था बड़ा काम किया। लेकिन साहब अपन का पूरा लाइफ में अपन ने आज तक किसी हवालदार को टच नहीं किया, मगर आज जिंदगी में पहली बार किसी इंस्पेक्टर को पंजा मारा है। साहब तुमको भी दिन में तारे नजर आ रहे होंगे, तारे, तुमने भी सोचा होगा कि साला थोबड़ा नहीं जिंदगी खराब कर डालेगा। क्या है सब, अपन के दिन में बहुत दया माया है, अपन भी सोचा जाने दो जॉन, काय को किसी कवले छोकरे का बैंड बजाने का। हाँ वरना साहब तुम फुटपाथ पर वाटे के भाव में पड़ेला होता और लाट के भाव में अस्पताल में चला गया होता। अरे भेंडी लोग पहचानते ही नहीं कि इंस्पेक्टर है कि एक्टर है कि टूटेला फूटेला ट्रैक्टर है। क्या ऐसा बुरा मत मानना, क्या है हकीकत है। क्या है कि अचानक धोखे में ना कभी मेरे बाबे भरकम हाथ पड़ जाए ना तो ऐसा होता है। होता है, होता है। इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि उनका हाथ बहुत तगड़ा है, उनको मालूम नहीं है कि सलाक कमजोर है, अपन बहुत बार तोड़ के भाग चुका है। हेलो, thank you.
निकाल चल। क्या क्या भूल गया क्या? अपुन जेल से छुटता है तो सबसे पहले बीड़ी का धुआं छोड़ता है, बाद में अपुन गिरफ्त पकड़ता है, बाद में पुलिस अपुन को पकड़ता है। अपुन का पकड़ा पकड़ी तो भाई क्या बदल गया क्या? अच्छा अच्छा चल बीड़ी निकल, बीड़ी निकल। तुम्हारे कान में खुजली तो नहीं है ना? खुजली तो है मगर कान में नहीं। तो फिर किधर है? अपुन को क्या करने का, अपुन को तुम्हारे कान से मतलब है यार। बीड़ी कान में रखता है ना, कितने हवालदार आए गए, अपुन वहां का वही है। कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। ये तुम्हारा एरिया पड़ता है क्या? नहीं अच्छा, वो मालूम पड़ गया, लफड़ा नहीं अपनी आएगा इसमें टाइक आवे। मगर तू जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में ये इंस्पेक्टर आएगा, समझा? काय को अपन का पानी खराब करने का क्या साहब? अरे साहब मुर्दा अभी कब्र से बाहर निकला, आप उसको फिर अंदर घुसेड़ने की सोच रहे? चार पांच दिन हवा पानी खाएंगे। हवा पानी ही नहीं, हुक्का पानी भी बंद कर दूंगा। अरे मगर काय को अपन कुछ किया है क्या? अगर तूने कुछ किया तो मैं तुझे कुछ करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना साहब, बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम पकड़ रखना ऐसा। हाँ चलता हूँ साहब। नहीं छोड़ेगा। अरे पकड़ेगा तो छोड़ेगा ना, पहले पकड़ के दिखा। बात करता है।
चले चले दो टिकट कॉर्नर सीट रहेगा, दो टिकट कॉर्नर सीट रहेगा, टिकट मुझे चाहिए दो दो। सल्टी 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 हवाल डाला है। चले ये माचिस में दो टिकट है बालकनी में, जाके बाथरूम में खोल डाला क्या? अच्छा अरे सुनो भाई साहब, चले खलास हो गया, खलास हो गया, चल कर देना यार। अरे एक दो तीन चार पाँच छह सात। ओ भाई साहब क्या साहब, एक टिकट देना। क्या सब पिक्चर इसमें? अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा। ए मामू भाई साहब माची से बस कब आएगी? आने वाली हो। अच्छा अच्छा ए मामू, मामू भाई साहब, वो लास्ट वाली घड़ी देखा ना, वो लास्ट वाली आ। ये देखो देखो, बकवास है यार। अच्छी है। अरे अरे यार बकवास है, अच्छी है। अरे बकवास है यार, अरे यार अच्छी है। अरे ले जाओ, नहीं बनता बोला ना यार, नहीं बनता। अरे जूली इधर, आज तक तू कभी मेरे को इतना पियाला देखा गया नहीं ना, मगर आज देखे मालूम है काय को? क्योंकि एक इंस्पेक्टर आया है जिसने मेरा लाइफ का सत्यानाश कर दिया, जिसने मेरा धंधा सत्यानाश कर दिया, जो सला भूत के माफिक मेरे पीछे पड़े है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके पाँव का ले साला, बुरा वक्त आता है तो भगवान साथ छोड़ता है, ये जुली भूली गया है। हेलो हाय थॉमस माय ब्रदर थॉमस, हाउ इज मम्मी? थॉमस मेरे को इतना साल हो गया शेरी में, मगर आज तक तू कभी मेरे को इतना पियाला देखा गया नहीं ना, मगर आज देखेगा मालूम है काय को? इसलिए कि एक इंस्पेक्टर आया है जिसने मेरे लाइफ का सत्यानाश कर दिया, जिसने मेरा धंधा सत्यानाश कर डाला, भूत के माफिक मेरे पीछे पड़े लाए, मैं क्या बताऊं थॉमस? पूरे वक्त में भेंडी बीड़ी भी साथ छोड़ देती है क्या सैयद भाई? हाँ सैयद भाई, मेरे को इतना साल हो गया इस एरिया में, आज तक तुम कभी मेरे को इतना पियाला देखा गया? कभी देखा नहीं, कभी देखा तो बताओ नहीं, मगर आज देखेगा मालूम है काहे को? क्योंकि एक इंस्पेक्टर ने तुम्हारी लाइफ का सत्यानाश कर दिया, तुम्हारा धंधा खराब कर दिया, तुम्हारा खाना पीना हराम कर दिया। हाँ अरे वाह,
तेरे को कौन बोला बाप? इसलिए कि वो इंस्पेक्टर मैं हूं। ए साला, तू इधर भी पहुंच गया क्या? तुम जैसे मुजरिमों की तलाश में हम आकाश से पाताल तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म कंपनी का ड्रामा चल रहा है क्या? तू मेरे आड़े मत आ यार, नहीं तो मैं तेरे को शमशान में घुसड़ डालूंगा यार। तमीज से बात कर, वरना एक थप्पड़ की गूंज से ये सारी बोतल का नशा उतार दूंगा, समझा? ओ, इंस्पेक्टर होने का फायदा उठाने लग गया, दो जवार आ गया, हाँ? चल लग गई, चल भाई छोड़, तू पुलिस लग गई। 14 नंबर की गली में मटके वाले की बेटी की शादी है, अपुन वहां जाएगा, वहां से माल उठाएगा, तेरे सामने निजड़ जाएगा, लगा ले तेरा कानून का ताकत, पकड़ के देगा अपुन को। चल, पकड़ा तो तू ऐसे जाएगा जैसे एक मकड़ी की जाल में मक्खी। अपुन मक्खी नहीं है, मकोड़ा है, मकोड़ा काटूंगा ना, बहुत दर्द करेगा क्या? चल लग गए ना भाई, चल लग गए ना, अपुन तेरे सामने निजड़ के जाएगा। चल आदमी ना, चल। ऐसा धमकाने से तो मैं न डरूंगा, कैसे न डरेगा, देखता रहेगा मैं चोरी करूंगा, कैसे तू करेगा। ऐसा धमकाने से तो मैं न डरूंगा, कैसे न डरेगा, देखता रहेगा मैं चोरी करूंगा, कैसे तू करेगा। गलियों का राजा क्या तुझसे डरेगा, लगता है तू पे मौत मरेगा, गलियों का राजा क्या तुझसे डरेगा, लगता है तू पे मौत मरेगा। तेरा सारा जोश कर दूंगा ठंडा, आएगा तू होश में तो खाएगा चटंडा, हवलदार आज मत देखे उंटा। छोड़ो भी जाने दो, दिल कष्ट खबरदार होशिया।
बनाऊंगा तुझे, चाणक्य बनाएगा। तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा तुझे, क्या पहुंचाएगा। सरकार दुल्हन में बनाऊंगा तुझे, चाणक्य बनाएगा। अरे तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा तुझे, क्या पहुंचाएगा। करता है चोरी चलता है तनके, कहीं को अकड़ता है बरवर पहन के। चोरी चलता है तन के, बात मेरी मान ले वरना मार खाएगा, का जो रास्ता तू बचाएगा। खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, खबरदार कल ठीक 4 बजे मारवे बीच के किनारे चिगारो नाम की मोटर बोट से हमारा 1 करोड़ का माल आ रहा है। तुम अपनी कंटेनर वैन लेकर 3 बजे वहां पर पहुंचोगे। वो तो ठीक है डैड, मगर मुझे डर है तो इंस्पेक्टर अमर का। उसकी फिक्र तुम मत करो, जिस वक्त तुम ये काम कर रहे होगे उस वक्त वो इंस्पेक्टर हमसे हमारी बेटी का हाथ मांग रहा होगा। अमर, तुम डैडी से हमारी शादी की बात की शुरुआत कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ प्यार की शुरुआत की थी। मजाक मत करो अमर, देखो मैं कितनी नर्वस हो रही हूँ। और तुम्हारे डैडी मुझको देख के नर्वस हो जाएंगे। कम ऑन अमर, मजाक की भी हद होती है। चलो बाहर निकलो। बाहर निकलो, लाओ हाथ दो। कितना ठंडा पानी है। मगर जिंदगी में आने वाला मामला बहुत गर्म है। क्या मतलब? आज तुम्हारे डैडी से टकराना जो है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे डैडी से हमारी शादी की बात नहीं बल्कि अपने कोई जंग की बात छेड़ने जा रहे हो। जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने किस मोड़ पर किससे जंग छिड़ जाए। छी, इतने अच्छे मौके पर ऐसी खराब बातें नहीं करते। जल्दी करो नहीं तो डैडी क्लब चले जाएंगे, क्योंकि खेलना उनकी आदत है, कभी हमारे मैदान में तो कभी गोल्फ के मैदान में। इंस्पेक्टर साहब, बीच मैदान में आकर आपने तो हमारा खेल ही रोक दिया। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं खुराना साहब, जब भी उठते हैं तो कुछ ना कुछ रुक ही जाता है, तो फिर हो जाए दो दो हाथ, मेरा मतलब खेल का। गुड शॉट इंस्पेक्टर, तुम आजकल बड़ी बेताबी से कानून के पंजों में मुजरिमों को जकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जरा हम भी तो जाने कि तुम्हारा अगला शिकार कौन है। आप? हम? अंजू का हाथ जो मांगने आया हूं, शिकार तो आप ही हुए ना। गुड शॉट, गुड शॉट अगेन। क्या बात है, जल्दी में हो। अब आपसे क्या छुपाना, लेकिन किसी से कहिएगा मत। कोई खास बात है? आज ठीक 3:30 बजे मारवे बीच पर एक नीली रंग की वैन आने वाली है, जिसका नंबर है MHT 6782। उसमें कुछ स्मगलिंग का माल आने वाला है और कुछ जाने वाला है।
मुजरिम समझता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप किसी से कहिएगा मत, क्योंकि मुजरिम खबरदार हो जाएगा। हाँ चलता हूं। बरखुरदार खेल तो खत्म करते जाओ। कानून का मामला है खुराना साहब, देर हो जाएगी। बरखुरदार, इस खेल में कौन सी सदियां लगने वाली हैं? ये लीजिए, मैंने आपका खेल भी खत्म कर दिया और अब बारी है मुजरिम की। याद रखना इंस्पेक्टर, तेरी ये वर्दी, तेरी ये कुर्सी, तेरी ये नौकरी ऐसे उखड़ जाएगी जैसे फुटपाथ पर से गरीब का झोपड़ा। गली के आवारा कुत्ते जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में पकड़े जाते हैं ना, तो इसी तरह पागलों की तरह चिल्लाते हैं। और सुन, बहुत जल्द तुझे तेरे बाप की आवाज इन सलाखों के पीछे सुनाई देगी। खबरदार, हमारी मर्जी के बगैर कदम उठाने की कोशिश की तो। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। बहुत पाप करवाए हैं तुमने मुझसे,
अब मैं तुम्हारे इशारों पर कभी नहीं नाचूंगी। हमने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर उसके पास इसलिए भेजा था ताकि तुम उसकी मौत की पेटी तैयार कर सको, लेकिन तुम अपने प्यार की डोली तैयार करने लगी। मत भूलो कि तुम्हारे माँ बाप इस वक्त हमारी कैद में हैं। हम जब चाहें उनके जिस्म से उनकी जान निकाल सकते हैं। नहीं। तुम्हें उस इंस्पेक्टर की मौत की तैयारी करनी होगी, वरना हम तुम्हारे माँ बाप की अर्थी की तैयारी कर देंगे।
इंस्पेक्टर हमारे बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनाने के लिए ना जाने तुमने कितने सिग्नल पार कर दिए, लेकिन हमारे एक ही टेलीफोन से वो सब सिग्नल टूट गए और तुम्हारा कैदी तुम्हारी कैद से निकलकर हमारे पास पहुंच गया। अपनी इस छोटी सी जीत को कहीं हमारी बहुत बड़ी हार मत समझ लेना खुराना साहब। बरखुरदार, गुस्सा छोड़ो और हाथ मिला लो। हमारी तरह तुम्हारे हाथ की तकदीर की लकीरें भी चमकने लगेंगी। पलक झपकते ही हम तुम्हें उस कुर्सी पर बिठा देंगे जिस कुर्सी पर बैठने के लिए तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्वाब कुछ और हैं। वो भी पूरे हो जाएंगे, पहले हाथ तो मिलाओ। तेरी कलाई का नाप ले रहा हूं खुराना, ऐसी हथकड़ी बनाऊंगा जिससे ना हवा गुजर सकेगी ना ही तेरे रगों से खून। तेरे शरीर में खून का दौड़ना बंद हो जाएगा और तेरी छाती में सांस का चलना। अमर, मुझे माफ कर दो। अमर, ये कौन सा नया ढोंग रचाने आई हो तुम? ये ढोंग नहीं, हकीकत है। मैं उनके हाथों में फंसी हुई एक कठपुतली हूँ जिसके जरिए वो तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें करने नहीं दिया। मगर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम उन मुजरिमों का साथ दे रही हो? मेरे माँ बाप उन जालिमों के कैद में है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वो मेरे माँ बाप को खत्म कर देंगे, यही मेरी मजबूरी है। अगर अभी तुम मुझे गलत समझते हो, मुझसे नफरत करते हो, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नफरत का नाम देकर जीऊंगी। अंजू, बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे? हाँ। आज के बाद तुम उनकी दुनिया में मेरी दुश्मन और उनकी दोस्त बन के रहोगी। तुम लोग यार सोच रहे होंगे कि तुम लोग मेरे को यहाँ उठा के लाए, मगर हकीकत में मैं खुद यहाँ पर आया हूँ ये जानने के लिए कि ये पार्टी है कौन। वरना जान किसी से डरता है क्या? ये हटा रे, मैं किसी से डरता हूँ क्या? अरे ए, काय को नहीं डरेगा? डरेगा ना, कोई खिलौना थोड़ी बच्चे लोग के खेलने का। पिस्तौल है, चल गई तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा। क्या हो मुंजाल साहब, सुना है कि तुम रुपया लेकर कोई भी काम कर जाते हो? किसी का भी वाट लगा सकता है। किसका वाट लगाना है? ये तो साला इंस्पेक्टर है। तुम्हें इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतारनी है। ये इसने तुम्हारे साथ भी लफड़ा किया क्या? इसने अपन को भी बहुत तकलीफ दिया। चलो एक साथ दोनों का तकलीफ दूर हो जाएगा।
मगर साहब माल कितना मिलेगा? अरे साहब इतना बड़ा इनाम, इससे 10 गुना और मिलेगा। क्या बोलता है? ये तो इंस्पेक्टर को फंसाने का चारा है। ओफो, वैसे भी तो हम इंसानों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, और ये बीएससी वाले घर में भी अंधेरा कर देते हैं। अरे क्या हुआ, कौन है वहां? कौन कौन हो तुम? अपन वो है माजी जिसे किस्मत ने सब कुछ छीन लिया था, मगर आज आज अपन को सब कुछ वापस मिल गया माजी। ये क्या कह रहे हो तुम? पहचाना नहीं माजी? हाँ तो अपन को कैसे पहचानेगी माजी? वक्त और हालात की ठोकर ने अपन के चेहरे पर इतनी धूल उड़ाई कि अपन का तो चेहरा ही बदल गया। मगर माजी तू इसको तो पहचानती है ना? हाँ अपन जान है, जान जान हो माजी। हाँ क्या तू सच जान है? ये तूने क्या हालत बना ली है अपनी? तेरी गोद से निकल के फुटपाथ की गोद में गिर गया था ना मैं, भूख और लाचारी के अंधेरे में डूब गया था। कानून ने अपुन के फादर को मौत का सजा सुना डाला और अपुन को मर मर के जीने का, मगर आज आज अपनी तकदीर को अपुन पर रहम आ गया। अपुन को अपना मां मिल गया, अपना भाई मिल गया, आज आज अपना बुरा वक्त खलास हो गया माजी। अरे अपुन तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपुन का बेईमान तकदीर अपुन के ऊपर इतना बड़ा एहसान करेगा माजी। ऐसा तो किस्मत ने मुझ पर किया है बेटे, एक बार तू भाग गया था, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा बाजी, मगर माँ अपन का दोस्त अपन का भाई किधर है? तू इधर क्या कर रहा है? बेटे तू जानता ही है कौन है? तू इसे नहीं जानती है माँ, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बोल तू इधर क्या कर रहा है? नहीं नहीं बेटे तू गलत सोच रहा है, ये मास्टर डिमेलो का बेटा है। नहीं माँ ये एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर करने वाला सरकारी मेहमान है। कभी किसी का बेटा बन जाता है तो कभी किसी का बाप। इंस्पेक्टर साहब तुम कानून वाला है ना, इसलिए बगैर सबूत के कोई बात मानेगा नहीं। ये देखो जब कानून ने अपन का डैडी मास्टर डिमेलो को फांसी पे लटका डाला था तो उसने अपन के गले में यह डाला था, इसको तो तुम पहचानता है? अपन को बच्चा लोग स्कूल में खुली का बेटा बोलता था, याद है? अपन उस बच्चे का सर फोड़कर भाग गया था, याद है ना? तू वही जॉन है? मेरा जॉन? हाँ यही जॉन हूं मैं, पजामा जॉन मेरे भाई। आज मेरी जिंदगी का मकसद लगता है पूरा हो गया, मैं अभी मुंह मीठा करने के लिए कुछ ले आती हूँ। यार तू मेरे सामने इतनी बार आया लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं सका। दोस्त ये शिकायत तो अपुन को भी है। तू वादा कर यार कि आज के बाद तू ये सारे धंधे बंद कर देगा। अरे तेरे माफिक यार मिल गया, खोई हुई माँ मिल गई, अरे अब तो अपुन भी इज्जतदार फैमिली का बेटा बन गया यार। लेकिन तू यहाँ आया कैसे? तेरा वाट लगाने के लिए, तेरे को फंसाने के लिए। मेरे को फंसाने? हाँ तेरे को अपन अभी बताता है। ये देख
तेरे को रिश्वत के इल्जाम में फंसवा कर नौकरी से हटाने का कॉन्ट्रैक्ट, मुंजाल खुराना का कॉन्ट्रैक्ट। मुंजाल खुराना जो मेरे बाप के खून का जिम्मेदार है, जिसने अपने किए हुए खून का इल्जाम तेरे बाप के सर पे लगा दिया। मुझे अनाथ और तुझे लावारिस और मजबूर बनाने वाला वही है, वही मुंजाल खुराना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोलता है? हाँ दोस्त, ये सच है। कसम जीसस की, मुंजाल खुराना को जब तक खलास नहीं कर डालेगा, अपन जीसस की शक्ल भी नहीं देखेगा। अपन मुंह खुला करने के चक्कर में लेके शांति शांति। अरे अरे साहब, इनको बोला इनका इनका बंदूक के नली में से गोली चलाना बंद करे, वरना अपन का सांस का नली बंद हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, थैंक यू। भाई तू मेरे को बोले जाके शिकार पे खाली जाल डालो, मैं शिकार को लूटा के ले गया। पहले मैं सोचा इसको मार के जमीन में जगा डालू, बाद में सोचा काय को अपना हाथ खराब करने का। ये काम तो तुम्हारा है ना, मैं दिखा रहा हूँ। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ, इन्होंने बहुतों की रेड़ मारी है, आज आप इनकी रेड़ मार दो। आओ 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 निकला। क्या मुंजाल साहब, ये तुमको क्या बोला था कि तुम्हारे हाथ के नाप की बेड़ी बनाएगा? अपन आज उसी बेड़ी को इसकी मौत की बेड़ी बना के इसको यहाँ लेके आयला है। मैं इसको पहले बोला था कि भला मोर भी कभी किसी शेर का शिकार किए ला क्या? क्या इंस्पेक्टर हो गया शिकार है? अपना दुश्मनी का पार्सल उड़ाओ और ईमानदारी से मेरा इनाम दे डालो। जॉन, तुमने ऐसा काम किया है जिसे देखकर मेरा ईमान भी बदल गया है और इनाम भी। जिंदा पकड़ के लाया इसलिए एक पेटी की जगह दो पेटी दे रहा है क्या सेठ? पहले मैं नोटों की बरसात करने वाला था, लेकिन अब ऐसी बरसात करूंगा कि जिसे देखकर जमीन दंग रह जाएगी और आसमान हैरान हो जाएगा। मुंजाल, मुंजाल खुराना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी मौत को देखकर आज मेरा मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हम इसे ऐसी मौत मारेंगे कि मौत की भी छाती फट जाएगी। मुंजाल, रावण को भी अपनी बुद्धि और शक्ति पर बहुत गौरव था, लेकिन विनाश उसी का हुआ था। वो जमाना राम का था इंस्पेक्टर, लेकिन ये जमाना रावण का है। नजर उठा के देख, चारों तरफ रावण ही रावण है। छोटी कुर्सी पर छोटा रावण, बड़ी कुर्सी पर बड़ा रावण, लोहे की कुर्सी पर मजबूत रावण, लकड़ी की कुर्सी पर कमजोर रावण। आराम जादे, कोई भी हिला तो बगैर टिकट और वीजे के गॉड के पास भेज देगा। क्यों मंजर, तू सोच रहा होगा कि तेरी गोली कोई खट्टी मिट्टी पिपरमेंट की गोली तो थी नहीं, फिर भी ये खा के कैसे बच गया? ये देख, तेरा ये गोली जॉन के क्रॉस को भी क्रॉस नहीं कर सका। तुम अकेला नहीं है माय सन, गॉड तुम्हारे साथ है। मगर आज तू ये वर्ल्ड क्रॉस जरूर करेगा। कलयुग का रावण हाँ? खलनास भिड़ो, बहुत टाइम से बोर करेला था, आज तेरा लास्ट दिन है। आ, 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 आ,
खुराना, याद है 22 साल पहले क्या हुआ था? एक अफसर था विजय शर्मा और एक मास्टर था पीटर डिमेलो। तूने उस अफसर का खून करके उसका इल्जाम उस बेगुनाह मास्टर पे लगा दिया, याद है? उस अफसर का बेटा मैं हूं, मैं अमर शर्मा। और उस मास्टर पीटर डिमेलो का बेटा जॉन डिमेलो अपुन है। अमर इंस्पेक्टर, रुक जा। हरामजादो, अब अपने हाथों से ले, अपनी आंखों से काम लो। चले, जरा नीली गाड़ी की तरफ देख, तुम दोनों का कलेजा निकाल के लाया हूं। नहीं, जानता है ये क्या है? जिंदगी और मौत का बटन है, यकीन नहीं आता? ये ना ये एक छोटा सा नमूना था, अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो दूसरी गाड़ी भी बम तुम्हारी माँ के साथ। दोनों की माँ। नहीं नहीं, तो विजय शर्मा का बेटा है, मास्टर डिमेलो का बेटा है, हमें मास्टरी सिखाने आया है, हमें मास्टरी सिखाने आया है, हमें मास्टरी सिखाएगा, कुश्ती सिखाएगा, कुश्ती सिखाएगा। मेरी खातिर इसकी मार मत खा बेटे, यही तेरे पिता का कातिल है, मार डाल इसे, मार डाल। लो ये भी आ गई तुम्हारी मातेश्वरी, इनके पति का तो मैंने कल्याण कर ही दिया था, अब मातेश्वरी तुम्हारे सुपुत्रों का भी कल्याण कर देता हूँ। मैं मर गई तो परवाह नहीं बेटे, मगर मैं इसे मरता हुआ देखना चाहती हूँ, मार डालो इसे, खत्म कर दो। मुझे मरता हुआ कभी शैतान भी मरा है? नहीं। तुम दोनों को अपनी मौत की कसम, टूट पड़े इस जालिम पर, अब तुम दोनों ने एक भी इसकी चोट खाई तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। मारो डैग, इन्होंने तुम्हें, नहीं तो मैं इनकी माँ को ऊपर पहुँचा देता हूँ, अभी पहुँचाओ। अरे मारो डैग, और मारो डैग, और अभी इसे मारो डैग, मारो डैग, इसको अभी, उसको दबा दूँ, दबा दूँ बटन, अरे बटन दबा दिया तुम लोग, अरे रुक। बुढ़िया कैसे बच गए? मुंजाल खुराना, हराम खोर सालिया, एक बार गद्दारी से मैंने उसके बाप को मराया था रे, और आज वफादारी से मैंने उसकी माँ को बचाया है। गंगिया? हाँ वही गंगिया, तेरा दुश्मन सालिया तू साफ
आणि मी मुंगू ए खुराना साले कूत्रिया वो दिवस गया रे जब गंगिया खाली चूल्हे में तंबाकू मिलाता था आज बंदूक में गोली चलाता शूट हिम अरे मुंजाल से जल बुधवार पेट साला मेरा बुस्कोट मेरा पेंट मेरा गॉगल निकाला था ना अब तोड़ता हूँ तेरी हड्डी तू निकाली थी मेरी चट्टी आगे गंदिया से गोरा जय महाराष्ट्र जय गंगिया महाराज फिर एक गोल हो गया अरे तन्ने को किसने बताया कि इधर फुटबॉल का मैच चल रहा है अरे महाराज कैप्टन जिधर भी होगा मैच भी उधर ही होगा चल अभी अंग्रेजी बोलना सीख ले तू क्रिश्चियन का भाई बनने वाला है क्या भाई क्या फिर अपन जॉन डिमेलो डिंडा वाला जेब है खाली पर दिल मत वाला मेरी बात सुनो मेरे को साला मुंजल खुरान को गोली मारने का मेरे को एक गोली मारने दो मेरे को गोली मारने दो एक गोली मारने दो मुलजिम मुंजाल खुराना एक पेशावर खूनी और देशद्रोही है इसलिए ताजराते हिंद दफा 302 के तहत अदालत मुलजिम को सजाए मौत तजवीज करती है मुंजाल खुराना हरामी साला कूतरा फिल्म का शुरू में तूने मेरा पेंट मेरा कोट मेरा गॉगल निकाला था ना अब साला वो सब पहनकर मैं तेरी चीता पे आऊंगा तेरा अग्नि संस्कार कर दे मेरे को तो सिर्फ 7 साल की हुई रे पर तेरे को तो हो गई ना फांसी चोरों की टोली लेके आया पॉकेट मार चोरों की टोली लेके आया पॉकेट मार हाथों में डंडा लेके आया थानेदार हाथों में डंडा लेके आया थानेदार चोरों की टोली लेके आया पॉकेट मार खबरदार होशियार